उत्तर प्रदेश की योगी सरकार असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार ये सुविधा उत्तर प्रदेश असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक रजिस्टर्ड हो चुके कामगारों और केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को दे दी जाएगी। दरअसल इससे जुड़े प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी भी दी जा सकती है। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को साल में 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की मुफ्त सुविधा है। आयुष्मान भारत योजना से छूटे गरीबों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क कैशलेस इलाज कराने के लिए योगी सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित कर रही है। आयुष्मान योजना से छूटे असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के पोर्टल पर अब तक 79,215 श्रमिक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वहीं केंद्र सरकार के ई श्रम पोर्टल पर अब तक 24 लाख श्रमिक पंजीकृत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना 2021 शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के निवासियों को सरकारी और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं आसानी से प्राप्त होगी।